हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन विद अ न्यू फ्रेश इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और सबका सही जा रहा होगा। सो गाइस, अभी मैं निकला सोपोर, मुझे घर से ही व्लॉग करना था बट मैं भूल गया। सो बहुत टाइम बाद आज व्लॉग कर रहा हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सो अभी हम जाते हैं ननिहाल सोपोर, ठीक है। अभी मैं संभल में हूँ तो चलते हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं अभी। उसको हम बंड बंड बोल रहे हैं, बंड बंड बोलते हैं। अब हम निकलेंगे यहाँ से एंड वहाँ पर आगे गाड़ी मिलेगी हमें, सोपोर गाड़ी। सो उसी में जाए चढ़ेंगे और निकलेंगे सोपोर। सो स्टे कनेक्टेड। अभी मैं गाड़ी में चढ़ा, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, पैसेंजर्स नहीं आ रहे हैं इसमें। सोपोर में सोपोर कम पैसेंजर जाते हैं इसलिए वेट करना पड़ता है एक घंटा भी। अभी मैं बाहर बैठा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, रखा मैंने बैग सुमो में, सोपोर सुमो में बहुत टाइम लगता है निकलने में सोपोर सुमो, बिकॉज पैसेंजर्स बहुत कम जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा बाहर यहीं पर, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज गर्मी थी। तो वेट करते हैं और निकलते हैं जब सुमो निकलेगी, फ़िलहाल मैं बाहर ही वेट करता हूँ। सो गाइज, आपको लास्ट में एक अच्छी अपडेट मिलने वाली है रिगार्डिंग टू माई व्लॉगिंग, तो स्टे कनेक्टेड। फाइनली गाड़ी निकली आधे घंटे के बाद। पहुँचा मैं सोपोर, अभी हम अपनी फेवरेट सॉफी खाते हैं न्यू लाइट पे। सो चलो सॉफ्टी, हमने अपनी फेवरेट सॉफ्टी न्यू लाइट सोपोर से, तो अभी हम इसको खाते हैं और निकलते हैं ननिहाल की तरफ। ये हमने ये अब आलू चिप्स, वहाँ पर हमें गाड़ी मिलेगी वहाँ से, तो हम घर निकलेंगे ननिहाल निकलेंगे। सो चलो स्टे कनेक्टेड, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंचा ननिहाल। सो गाइस, अभी आ रहा है टाइम 4 बजे, अभी हम निकले साइकिलिंग करने आलम और मैं, थोड़ा ही दूर जाएंगे क्योंकि इसको ब्रेक्स नहीं है इस साइकिल में, कोई अपना नहीं है ये, इसका साइकिल है, इसमें फिट ब्रेक्स हैं बट ये किसी इसके फ्रेंड का साइकिल है। ये चून, ये इसके फ्रेंड का है ये वाला, इसको ना ब्रेक्स है ना कुछ। संभालते हैं आगे तक साइकिलिंग करके, बुला के लिए मैंने इसको बोला कहीं जाते हैं नज़दीक ही। तो गाइस, ये है बारामूला हाईवे, मैंने कभी अजबल मेन अजबल नहीं देखा है। आलम, मैंने आलम को बोला, ये मान नहीं रहा था, इसको मनाना पड़ा क्योंकि मैंने कभी मेन अजबल नहीं देखा है और यहाँ पर मैं 2-2 महीने रहा हूँ बट अजबल नहीं देखा। तो अभी हम जाते हैं मेन अजबल, ये मेन नहीं है, ये इसका 4-वे है यहाँ पर, और यहाँ से जाते हैं बारामूला हाईवे। सो बहुत मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में आज, बहुत टाइम बाद। सो आलम को हम पीछे छोड़ते हैं, देखो ये इसको, और ओह ओह ये कंटिन्यू साइकिल चलाता है, इन्होंने इनकी ब्रेक की भी चाहिए। आप साइड में रहो, क्या 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 ओवरटेकिंग का किंग। सो यहाँ से रफ़ियाबाद स्टार्ट, और अभी हम जाएंगे यहाँ पर कौन कौन बात हो आई मैं बारामूला, भी यहाँ से भी पहुँच सकते हैं। सो हम देखते हैं आगे तक जाएंगे। मुझे वो फ्रेंड का साइकिल दिया ना, इसको ब्रेक से ना कुछ, खुद ये वाला साइकिल नहीं मुड़ती। सो अभी हम अजमेर तक जाते हैं यार। हम वापस आए, बारिश स्टार्ट हो गई इसलिए यहाँ से कोई मोटो व्लॉगर था वो क्या स्टैंड बाजी कर रहा था यहाँ से,
मैं उसका फैन हो गया। मैं इसका फैन हो गया, इसको 700 सब्सक्राइबर्स हैं बट मैं इसका फैन हो गया, ऐसे स्टैंड्स मारता है। गाइस अभी हम निकल रहे हैं घर, अब हम घर में मिलते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग से ही कि मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। अब हम वो घर में मिलेंगे एंड सो गाइस मुझे आपसे ये बात शेयर करनी है, सब अपनी अपनी ओपिनियन देना क्योंकि लाइफस्टाइल व्लॉगिंग अभी बैठी हुई है, डाउन है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ूँ लाइफस्टाइल व्लॉगिंग को। सब बोलना ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ हम मोटो व्लॉगिंग करें स्टार्ट, या फूड व्लॉगिंग है वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे फूड नहीं आता बनाना, दूसरी भी डेली व्लॉगिंग वो भी नहीं कर सकते क्योंकि डेली मैं नहीं बना सकता, वहाँ पर बचा ओनली मोटो व्लॉगिंग, मुझे लग रहा है हम वही करेंगे। आप सब अपनी अपनी ओपिनियन देना। सो गाइस हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर ये व्लॉग पसंद आया सो फॉर व्हाट्स योर रीज़न गिव इट अ लाइक, आई विल सी यू सम अदर डे, टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय।